असलम एंड हैलो एवरी वन क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग गुड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार ब्लॉग्स आज आप देख रहे हैं थर्सडे के दिन का व्लाग और थर्सडे को जो है न वो दुबई में पहला रोज़ा था बट दुबई से जो हम खजूर लेके आए थे ना वो मैं इस जार में अभी भर रही हूँ और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट जाने का अभी टाइम ही नहीं मिला तो यहाँ पर जो लोकल शॉप है ना स्पिनीज वहीं से हम लोग ने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे बाद में हम जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट कल रात में है ना मैंने डिनर के बाद डिश वॉशर ऑन नहीं करी थी मैं सोची कि अब तो शहरी का भी बर्तन निकलेगा तो एक साथ ही ना सारे बर्तन मैं जमा करके फिर उसके बाद डिश वॉशर में लगा दूंगी तो वही सारे बर्तन वॉश हो गए थे तो मैं उन्हें अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ अभी रमज़ान में है ना बहुत टाइम रहता है सुबह से लेकर दोपहर तक कोई टेंशन नहीं कि लंच बनाना है और बच्चों को सुबह टिफ़िन देना है तो आप देख रहे हैं मैं एकदम आराम आराम से घूम घूम के काम कर रही हूँ किचन में और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था मतलब पहला दिन है ना तो मैं सोच रही थी कि अब ऐसा करती हूँ कि चिकन जो है वो चिकन पफ का वो मैं बना ही देती हूँ तो यहाँ पर है ना मैंने एक किलो बोनलेस चिकन ली हूँ चिकन ब्रेस्ट और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी वन वन टेबल स्पून ईच थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करी हूँ इसके अंदर ताकि ये अच्छे से डूब जाए बस थोड़ा सा डालना है कि मतलब ना ये गल जाए चिकन और उसके बाद मैं इसको एक बार बॉईल आने तक फिर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी चिकन तो बहुत आराम से गल जाता है और यहाँ पे ना थोड़ी मूंग की दाल थी हरी मूंग की दाल छिलके वाली वो मैंने वॉश कर दी हूँ मैं सोच रही हूँ उसको अभी भिगा के रख देती हूँ इसकी मैं भजिया बनाने वाली हूँ तो ये दाल जो है ना इसकी भजिया तभी अच्छी बनती है जब ये दो से तीन घंटे अच्छे से भीगी रहेगी और जो मैंने मेक एंड फ्रीज़ आइटम में जो मीठा समोसा और कीमे का समोसा बनाई थी उसको मैं निकाल के रख दूंगी, तो ये ना आराम से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा देखे, 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 देखे। आज है ना आरिस को छोड़ के बाकी सारे ही लोग इस घर में रोज़ा हैं फर्स्ट रोज़ा जो होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाला होता है और अफान कह रहा था कि मैं ना सारे ही रोज़े रखूंगा तो इस बार देखते हैं अफ़ान कितना रोज़ा रखता है वैसे वो दस से पंद्रह रोज़ा हर साल रखता था तो आरिस के लिए मैंने ना कुछ भी एहतमाम नहीं करी हूं, खाना नहीं बनाई बस ऐसे ऑमलेट डाल दी थी और एक ब्रेड बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं खिलाऊंगी नहीं तो ना वो अवतार में हम लोग के साथ नहीं खाएगा तो मैं चाहती हूँ उसको भी अवतार में हम लोग के साथ खाने की आदत रहे और यहाँ पे देखिए ये चिकन जो है मैंने बॉयल करने के लिए रखी थी चिकन पफ के लिए तो वो हो चुका है और उसको जो है ना मैं मैश कर रही हूँ तो इस तरह से ना गरम ही गरम में आप अगर फोक से मैश करेंगे तो बहुत आसानी से जो है ना वो मैश हो जाता है यहाँ पे मैं चिकन पफ का बैटर बना रही हूँ बहुत ही इजी और क्विक बनता है एक वोक में मैंने डाली हूँ ऑयल और उसके बाद मैंने इसमें फ़ोर मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी हूँ बारिक चॉप करके और है इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करके और ये मिर्चा है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें वैसे ये चिकन पॉफ बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है और आरिस की वजह से मैं इसमें बहुत कम मिर्चा डालती भी हूँ प्याज़ जैसे ही थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ना तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर मैदा डालेंगे और टू टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दी हूँ उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाली हूँ मतलब दूध जो है ना वो वन फोर्थ कप के करीब डालना है लेकिन पूरा ही एक साथ नहीं डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ऐसे करने से ना इसके अंदर लम्स भी नहीं पड़ेगा और ना फ्लेम एकदम मीडियम टू लो रहेगी ताकि ये मैदा जो है ना वो अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद मैं इसमें टू टीस्पून के करीब जो है ना वो वाइट पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं और उसके बाद है ना हम लोग ने जो चिकन श्रेड करके रखे थे वो पूरा हम लोग प्याज में डाल देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ये चिकन पफ है ना मेरे घर में बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है इतना ज़्यादा पसंद है कि तीस दिन बनता है हमारे यहाँ रमज़ान में और मुझे भी इजी लगता है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़ते नहीं हैं तो इसको बनाना भी बहुत ही इजी है तो आप लोग भी ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा यहाँ पर है ना मैंने चीज़ क्यूब्स ली हूँ मतलब जो ट्राइंगल वाली आती है ना वो आप चाहें तो चीज़ स्लाइस को भी तोड़ के डाल सकते हैं तो दो चीज़ ट्राइंगल्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर अभी डाल दी हूँ और उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स करेंगे जैसे ये चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए और सारा चिकन का बैटर जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और उसके बाद खुशबू के लिए और इंडियन टच देने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स मतलब धनिया की पत्ती और मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको ये बिल्कुल भी रेडी है अब बस मैं गैस बंद कर दूँगी और है ना इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी इसको फिल कैसे करना है पफ़ में वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये देखिए रमज़ान का पहला पहला दिन और हमारे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गई वो तो अच्छा हुआ कि अवतार के टाइम पे ख़त्म नहीं हुई है मैं कल ही हस्बैंड से बोल रही थी कि ढाई से तीन महीना हो चुका है और सिलेंडर है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है मुझे डर लग रही है कि कहीं अवतार के बीच में ही ना चली जाए तो शुक्र है कि सुबह सुबह ख़त्म हो गई है तो यहाँ जल्दी से ना ये सिलेंडर वाला पहुँचा देता है जो आइटम ठंडे अच्छे लगते हैं ना वो मैं पहले ही बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अफ्तार के टाइम तक ना वो एकदम ठंडा हो जाए तो यहाँ पे मैं और मिल्कशेक बना रही हूँ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तो तीन पैकेट ओरियो मैंने डाली हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये लोटस का स्प्रेड ऐड की हूँ आप चाहे तो न्यूटेला भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद दूध डाल के मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी ठंडे होने के लिए इसी तरह से फ्रूट्स जो हैं वो भी ठंडे ही अच्छे लगते हैं तो आप देख रहे हैं कितने छोटे से साइज़ का ये वाटरमेलन है जब हम कल फ्रूट्स लेने गए थे ना तो आरस ये बेबी वाटरमेलन लेके आया था ज़िद करके कि कह रहा था कि नहीं हम बेबी हैं तो बेबी वाला वाटरमेलन ही लेंगे हस्बैंड बड़े साइज़ का ले रहे थे लेकिन उसने नहीं लेने दिया तो बस ये बेबी वाटरमेलन अब दो ही दिन चलेगा तो मैं इसको है ना आइसक्रीम स्कूप से इस तरह से काट के रख दूँगी तो खाने में भी बहुत ही ईजी रहेगा और ये है ना सीडलेस है तो सीड्स निकालने का चक्कर भी नहीं है तो ये सारे वाटर मेलन मैंने कट कर दी हूँ और जो हाफ़ वाटर मेलन बच गया है ना उसको मैं क्लिंग रैप लगा के फ्रिज में रख दूँगी क्लिंग रैप लगाने से है ना टेस्ट नहीं बदलता है वाटर मेलन का और यहाँ पे जो फूड पिक्स थे ना मेरे पास वो मैं इसके अंदर लगा दे रही हूँ इसी से खाने में आसानी रहेगी और ये देखिए ये फूड पिक्स लगा रही थी तो आरिस भी आ गया उसको ये सारी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं तो बस मैंने ये वाटर मेलन रख दी हूँ फ्रिज में अच्छा जो वाटरमेलन स्कूप से काटने के बाद जो बचा था ना वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा उसको मैंने मिक्सर में डाल दी हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दी हूँ बाकी शुगर वगैरह नहीं डाली हूँ ऐसे नेचुरल ही स्वीटनेस उसकी ठीक रहेगी आरिज है न मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था किचन में आ आके कि आप ये क्या कर रही हैं ये क्या लगा रही हैं मतलब हर काम उसको करना था तो इतना लेट होने लगा था मुझे और टेंशन भी हो रही थी आज पहला रोज़ा है तो तो मैंने उसको जो यहाँ पे पी एस फाइव लगा के बैठा दी हूँ मैं बोली कि तुम खेलो यहाँ थोड़ी देर में ना या तो फ़लक आ जाएगी अभी स्कूल से या तो फिर जो है हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से फिर उसको देख लेंगे और ये देखिए अपने सर से बड़ा हेडफोन पहन के बैठा है तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में आरिस को वहाँ सेटल करके और है ना यहाँ पे मैं फ्रूट चाट कट करने लगी हूँ और फ्रूट चाट भी ठंडा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी काट के जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये फ्रूट चाट वाला काम जो है ये मैं कर लूँगा ऑफ़िस से आके तुम ये सब मत करना लेकिन है ना मुझे टेंशन हो रही थी कि हस्बैंड पता नहीं कब आएंगे कोई उनका फ़िक्स टाइम तो है नहीं ऑफ़िस से आने का कभी पाँच बजे आ जाते हैं कभी छः बजे आते हैं कभी एकदम अवतार के टाइम आते हैं और वैसे भी थोड़े से फ्रूट्स हैं मैं आपको बताई ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट नहीं गए हैं तो जितने भी फ्रूट्स थे वो सब मैं कट करके जो है फ्रिज में अभी रख दूँगी और ये देखिए इतनी देर में जो है वो फलक की बस आ गई है और इतनी खुशी मुझे हो रही है फलक के आने से और आज है ना फलक का लास्ट डे था स्कूल का स्कूल ख़त्म अस्सलाम स्कूल ख़त्म अब मैं हरी मटर की घुँगनी बना रही हूँ जिसे नमूना भी कहते हैं यह है ना यूपी में बहुत फ़ेमस है कोई भी मेहमान आए ना हरी मटर का नमूना ज़रूर पेश हो जाता है तो बस तेल में और मैंने डाल दी हूँ ज़ीरा और थोड़ी सी चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दी हूँ और फिर हरी मिर्ची और लहसुन मिक्सर में फ्रेश पीस के वो मैंने डाल दी हूँ नमूना बनाने के लिए ना मैं फ़्रेश वाली हरी मटर नहीं यूज़ करती हूँ ये फ्रोज़न वाली है वाटीज़ की ये बेस्ट होती है खाने में और बच्चों को है ना यही वाली हरी मटर का नमूना पसंद आता है तो इसी का मैं बनाती हूँ और नमक डाल के इसको मैंने मिक्स कर दी हूँ और एक सीटी के बाद ही ना इसको मैं खोल दूँगी नहीं तो फिर जो इसका ग्रीन कलर है ना वो एकदम डार्क हो जाता है तो बस ये रेडी हो गई है और यहाँ पे है ना मैंने हरी चटनी बनाई हूँ मैं आपको बताई थी ना कि मैं फ़्रीज़ करके हरी चटनी नहीं रखती हूँ मुझे पसंद नहीं आती है पानी पानी जैसी हो जाती है तो वो फ्रेश हरी चटनी भी मैंने पीस दी हूँ अच्छा यहाँ पे है ना चिकन पफ का बैटर ठंडा हो गया था तो मैं सोच रही थी कि आपको दिखा दूँ कि इसको मैं कैसे फ़ोल्ड करती हूँ ये देखिए इस तरह से बीच में रख के और फिर उसको जो है ना ट्रायंगल के शेप में आ, इसको फोल्ड कर देना है और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से हम दबा देंगे कोई भी मैदा वग़ैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ख़ुद ही चिपक जाता है और उसके बाद डिज़ाइन देने के लिए ना मैं एक फ़ोक से इस तरह से उसको प्रेस कर दूँगी तो एक खूब अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है और ये चिकन पफ़ बनाने के लिए ना मैं सिर्फ़ सोनबुला की ही पफ पेस्ट्री शीट्स लेती हूँ और मैंने आप लोगों के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग वाले व्लॉग में भी शेयर करी थी ना ये बहुत बेस्ट होती है और हर पेस्ट्री के बीच में जो है ना एक प्लास्टिक की शीट दी रहती है जिससे ये आपस में चिपके नहीं और यहाँ पे फलक आ गई है फ़्रेश होके ये पफ भरने के लिए आपको पता है कि पिछले दो साल से है ना मुझे मुक्ति मिल गई है चिकन पफ भरने से ये काम जो है अब मैं छोड़ दी हूँ और ये इतना इजी है कि हर कोई कर सकता है और फलक को चिकन पफ इतना पसंद भी है कि वो बहुत ही आराम से चिकन पफ पूरा भर लेती है तो ये टेंशन मेरा अब ख़त्म हो गया है कि मुझे पफ भरना है वो तो मुझे आप लोगों को दिखाना था कि कैसे भरना है तो मैंने आप लोगों को एक भर के दिखा दी बाकी पूरा फलक ही भर दी है अच्छा यहाँ है ना एग ब्रश हम लोग करेंगे ये पफ़ के ऊपर तब ना इसे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा अगर आप एग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मिल्क से भी ब्रश कर सकते हैं या ऑयल से तो भी अच्छा लगेगा मीन टाइम मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दी थी वन एटी डिग्री पे ना मैं इसको एटीन मिनट्स के लिए बेक करूंगी ऊपर और नीचे दोनों रॉड मैंने ऑन कर दी हूँ या फिर आप गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर दें और जो चिकन बचा था ना बैटर उसको मैं कांच के बर्तन में डाल के और चिल्लर में रख दूंगी तो ये एकदम चार पाँच दिन तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छा ये देखिए जो मूंग की दाल मैंने भिगाई थी भजिया बनाने के लिए उसको मैंने छन्नी में डाल दी थी तो इतना सारा पानी निकला और पानी बिल्कुल इसके अंदर होना नहीं चाहिए ये गीली गीली नहीं बनती है इसको मैंने मिक्सर में डाल दी हूँ और उसके बाद मैंने इसको सिंपली पीस दिया ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी दरदरी पीसना है बहुत पेस्ट नहीं बनाना है इसका तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ ज़ीरा खड़ा ज़ीरा और थोड़ी सी प्याज़ लंबी लंबी ऐड कर दी हूँ मैंने लच्छेदार और उसके बाद हरी मिर्ची और लहसुन ये मैंने पीस के डाल दी हूँ और नमक भी जब हम दाल पीसेंगे ना उसी टाइम पे हम इसके अंदर मिर्चा और लहसुन साथ में डाल के पीस सकते हैं ये मेरे पास पीसा हुआ मिर्चा रखा था तो मैंने डाल दी अवतार का टाइम होने जा रहा था तो मैं सोच रही थी कि लाइट्स वग़ैरह पूरी अच्छे से ऑन कर देती हूँ और मुझे ना लाइट्स वगैरह इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ तो ये अभी मैंने इस रमज़ान के लिए लेके आई थी और इसको जो है ना मैं अवतार के टेबल पर लगा दूँगी अवतार का टाइम करीब आ रहा था तो मैं सोची कि तलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है ना तेल में मैंने मीठा समोसा डाली हूँ और यहाँ दूसरे गैस पे मैं जब तक शीरा बना दूँगी उसका तो एक कप शक्कर मैंने ली हूँ और आधा कप के करीब जो है ना वो पानी अब इसको एक बार बॉईल होके के पाँच मिनट पकाएँगे और शीरा रेडी है और ये देखिए इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफ़िस से देखिए आज कितना लेट हो गया इनको आते आते और जो हस्बैंड का ऑफिस वाला बैग होता है ना वो आरीज ही हमेशा लेके आएगा जब भी हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो ये देखिए उठ नहीं रहा है उससे लेकिन लेके वही आएगा कोई भी और बैग नहीं छू सकता इनका यहाँ पे मीठा समोसा बिल्कुल रेडी हो गया था बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ मैं इसको बस इतना ही कलर जो है वो आएगा और उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी शीरे में वैसे इसको एकदम खोलते शीरे में नहीं डाला जाता है लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने डाल दी हूँ और ये देखिए हस्बैंड जो है वो फ्रेश होके आ गए हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली हर साल जो है ना रमज़ान में भजिया तलने वाला या जितना भी तलने वाला काम है वही करते हैं यहाँ पे मीठा समोसा शीरे में डिप हो के बिल्कुल रेडी था तो मैं उसको प्लेट में निकाल रही हूँ और है ना टाइम बहुत कम बाकी था तो मैंने फ़लक को भी बुला ली किचन में और अब आप देखिए फलक जो है वो किस तरह से डेकोरेट करेगी ये सारा जो काम है ना डेकोरेशन वाला वो भी फ़लक ही करने लगी है अब तो जो मैंने मिल्क मिल्कशेक बनाई थी ना तो उसको मैं इसी कप्स में निकालूंगी तो ये जो हर्शीज़ वाली सिरप आती है ना चॉकलेट वाली उसी को फलक ने कप में डाल दी है जो फ्रूट्स मैंने कट करके रखी थी ना तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा अभी वही शुगर ऐड कर रही हूँ और ये चाट मसाला है और मैंने लेमन जो है ना वो पहले ही मैंने डाल दी थी ताकि जो है फ्रूट्स काला ना हो और अब मैं बनाना डाल रही हूँ बनाना पहले डालें तो काला हो जाता है इसलिए जो है बनाना मैं लास्ट में डालती हूँ और ये फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है समोसा है ना अच्छा सा एकदम कलर का फ़्राई हो गया था तो इस तरह से क्रिस्पल ट्रे में मैं इसको निकाल देती हूँ जितनी भी फ्राइड आइटम है ना इसी पे मैं निकालूंगी ताकि जो है वो जितना भी तेल है वो नीचे ट्रे में जमा हो जाए तो फिर मैं दोबारा उसको री कर सकूँ वरना टिश्यू में अगर हम लोग डालते हैं तो तेल बहुत वेस्ट होता है अच्छा यहाँ पर मैंने भजिया डाल दी हूँ समोसे के बाद तेल में और जो ओरियो मिल्क शेक पीस के रखा था फ्रिज में वो फलक यहाँ पे डाल रही है हमें इतना लेट हो रहा है इतना लेट हो रहा है आज अवतार पहली है ना तो टाइम का ज़रा सा अंदाज़ा गलत हो गया और ये पहली बार नहीं हुआ है हर साल रमज़ान में दो तीन रोज़े इसी तरह से गुजरते हैं उसके बाद चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होती हैं ये हरी मटर का नमूना देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है एक दफ़ा मैंने इसको गर्म कर ली हूँ यहाँ पे फलक जो है वो पूरी अवतार डाइनिंग टेबल पे लगाना स्टार्ट कर दी है अभी शुक्र है कि पंद्रह मिनट बाकी है ये लास्ट टाइम की जो भागम भाग है आपको देख के तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस तरह से सारे ही लोग जो हैं वो किचन में जुट गए थे तब जाके अवतार टाइम पे तैयार हुई है तो किचन का गैस वगैरह बंद करके हस्बैंड भी आ गए हैं ये लास्ट ट्रे होती है भजिए वाली वो भी लेके तो ये देखिए ये हमारे समोसा और दाल की भजिया चिकन पफ और यो मिल्क शेक बच्चों के लिए यह हरी मटर का नमूना या घुगनी और इसमें जो है वो हरी चटनी है पुदीना और धनिया पत्ती वाली ये है वाटरमेलन खजूर मीठा समोसा और फ्रूट चाट ये वाटरमेलन का शेक है ये है हमारी पहली अफ्तारी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पे है ना हस्बैंड आरिस की प्लेट सेट कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसी को थी कि कब रमज़ान आएगा और कब जो है हम भजिया खाएंगे यहाँ पे है ना मैं अपनी भी प्लेट सेट कर रही हूँ तो एक एक आइटम जो है वो मैं अपनी प्लेट में सब निकाल लूँगी ताकि आराम से बैठ के खाऊँ और ये देखिए ये वही आम पन्ना है जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले ब्लॉग में शेयर करी थी ना जो कच्चे आम की कैरी से मैंने बनाई थी तो ये बिल्कुल रेडी है इसको मैंने निकाल ली हूँ हाय खुशार हाय लियाम हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग गुड ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं रोज़ कि इनका नाम आएगा ब्लॉग में और जब ब्लॉग ख़त्म हो जाता है नाम नहीं आता तो बहुत अपसेट हो जाते हैं तो मैं सोची कि जो है इस बार इनका नाम ले लेती हूँ और यहाँ देखिए अफ़ान को इतनी ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी है कि उसकी सारी हंसी गायब हो गई है अल्लाह बिल्लामेश्तान रजिंग ग़ीस मिल्लाह रहमान रहमान दो अमांगे या क्या फ़ेमांगे लड़की कुर्मोचिलों गुड मॉर्निंग जबरदस्त होनी और एंड अदरेस मेरे नेम बार बार अब कब बताओगे अब कब बताओगे अम्मा अभी अभी बोलने वाली अब मोबाइल टूम होगा तब

ये चिकन पफ देखिए कितना अच्छा सा रेडी हो गया है इतना अच्छा गोल्डन कलर भी आया है जैसे हम लोग मार्केट से लेके आते हैं वैसे ही लेकिन कितना हेल्दी है मतलब घर में हर चीज़ बनी हुई है और खाने में भी बहुत अच्छा है अक्सर मैं इन लोगों को ना टिफ़िन में भी दे देती हूँ और ये देखिए ये मीठा समोसा इसको देख के तो जो है ना मुझे एकदम अपने बॉम्बे में हम लोग नहीं रबड़ी और मालपुआ और ये सब खाते थे उसी की याद आ गई नया नगर से मेरा भाई लेके आता था, था हर साल रबड़ी मालपोआ जलेबी एंड सोवान भजिया खाए ये लो दिल खोल के भजिया खा लो रमजान <laughs> आ गया